किंतु आचार्य, चंद्रगुप्त को खदानों में गए हुए कई दिन बीत चुके हैं और अब तक वहां से हमें उसके बारे में कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई है। आचार्य, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्वी ने अपना मन बदलकर चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया? नकारात्मक सोच बुरी होती है पत्रकार, ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो अपने आसपास सब में निराशावादी दृष्टिकोण ही फैलाती है। इससे बचना चाहिए, सदैव सकारात्मक ही सोचना चाहिए। चंद्रगुप्त एक महत्वपूर्ण अभियान में लगा है, बड़ा कठिन है यह अभियान। बात बदलाव की है, पुराने से पुराना पेड़ उखाड़ना हो तो पूरी शक्ति लगानी पड़ती है। चंद्रगुप्त लगा रहा है ये शक्ति, नए युग की नींव रखी जा रही है। इतनी लंबी चौड़ी योजना, यदि एक भी कड़ी फिसली तो सारी योजना मुंह के बल गिर जाएगी। किसी के मन में कोई शंका? आचार्य, हम सब सोच रहे थे इस बार बड़ा संकट मोल ले लिया हमने। यदि योजना में कुछ भी कोई भी भूल हो गई तो मत करो भूल। वो तो ठीक है आचार्य, किंतु चंद्रगुप्त का जीवन दांव पर लगा। तुम में से किसी ने सिकंदर के बारे में सुना? मैंने सुना है आचार्य। आचार्य, मैंने भी पर्शिया के व्यापारियों से उसके बारे में सुना है। वे लोग कह रहे थे कि सिकंदर ने समूचे पर्शिया को जलाकर राख कर दिया। तुम जानते हो, पूरे विश्व को जीतने निकला है, और आश्चर्य नहीं होगा मुझे यदि वो सारा विश्व जीत भी ले तो, क्योंकि हम जैसे लोग बस सोचते ही रह जाते हैं कि इतना बड़ा जोखिम उठाना भी चाहिए या नहीं। तो ऐसे में उसके जैसा राजा जो सदा जोखिम उठाने के लिए तत्पर है, आगे बढ़ता जाएगा, जीतता जाएगा एक के बाद एक देश, वो हमारे देश की ओर बढ़ रहा है। सिंधु नदी के पास पहुंच गया। मेरे भारत पर विजय पताका फहराना चाहता है और वो कर भी लेगा। और हम क्या कर रहे हैं? एक छोटे से अत्याचारी सामंत के विरुद्ध कुछ करने के लिए भी सोच रहे हैं। मैं चाहता हूं सकारात्मक सोच सबसे, योजना मात्र कल्पना भी लगे तब भी उस पर विश्वास करो और उसे सच बना दो। हर बड़े कार्य से पहले उसका सपना देखा जाता है और फिर उसे मूर्त रूप दिया जाता है। मात्र इच्छा शक्ति, बस यही एक मूल मंत्र है हर सफलता के पीछे। इच्छा करो, दृढ़ता से चाहो और फिर उसके लिए मर मिटो। विजय सदा तुम्हारा वरण करेगी।